कोतवाली थाना क्षेत्र के साहबगंज मंडी में एक व्यापारी के मुनीब से 91,000 की लूट की सूचना पर हड़कंप मच गया। लूट की सूचना पर मौकामी पुलिस के साथ एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह, सीओ कोतवाली बीके सिंह सहित क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंच गई। इस दौरान शहर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह भी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों और पुलिस के अधिकारियों से वार्ता करके घटना का जल्द खुलासा करने को कहा। मिली जानकारी के अनुसार साहबगंज किराना मंडी में विजय कुमार गुप्ता की एमएम कंपनी के नाम से किराने का फर्म है। इनके वहां सेल्समैन के पद पर डोहरिया बाजार का राहुल गुप्ता काम करता है। शनिवार को वो दुकान के पैसों की वसूली करके चौरहिया गोला की तरफ से साहबगंज अपने शॉप की तरफ आ रहा था। उसी दौरान पुलिस की वर्दी में खड़े दो लोगों ने उसे रोक लिया और पुलिस का धौंस देकर उसकी तलाशी लेने लगे और बैग में रखे वसूली के 91,000 रुपये लेकर फरार हो गए। सेल्समैन द्वारा शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे लोगों ने इसकी सूचना मुकामी पुलिस और स्थानीय विधायक को दी तो घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की शिनाख्त में लगी हुई है। साहबगंज मंडी में लूट की घटना से व्यापारियों में काफी आक्रोश है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधायक विपिन सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन को घटना का खुलासा करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 24 घंटे में खुलासा नहीं हुआ तो व्यापारियों ने बंदी का ऐलान किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापारी विजय कुमार गुप्ता, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया, विधायक विपिन सिंह और एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा अभी एक तारीख कोई मीटिंग थी हम लोग बहुत दिन से कह रहे थे और देखिए लेकिन हम लोग के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं और ज्यादातर घटनाएं हम लोगों ने एक दिवाली की घटना देखिए बाकी रह गई है उसपे भी हम लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं उसको भी खोलेंगे। हम अपनी क्राइम ब्रांच की टीम भी अनुसार लेकिन तुरंत क्राइम ब्रांच की टीम लगी लोकल जो थाना है चौकी है आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम मतलब उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हम इसको टॉप प्रायोरिटी में जैसे रखते आए हैं घटनाओं को इसको इतना हम आपको हमने वहाँ पे बाइक वाइक खड़ी थी पहले अपने आप को पहचान लो कहाँ पहले भी ऐसे किसान लिखी हो रही थी काफी दिन से रिपोर्ट लिखो उसके बाद लापरवाही घटना यह है कि हमारा आदमी कल से निकला हुआ था उधर से आ रहा था शीतला माता मंदिर की तरफ से यहाँ गोल टेडो के सामने
दो लोग मिल गए उसको, बोल रहा है तुम अपना बैग चेक कराओ, तुम असला रखे हो तुम, है ना। वो लोग बोल रहे कब से तुम बुला रहे हो, नहीं आ रहे हो। वो बैग चेक कराया, उसके बाद कह रहे तुम दारू पिए हो, मतलब तुम्हारी आँखें चढ़ी हुई हैं। उसे देखते हैं, देखने पैसा निकाल लिया बैंक में से, ले चल दिए अपना। 90-91 रखा होगा, 90-91 रखा होगा, 90-91 राहुल गुप्ता। हाँ वो कहले संजय सिंघानी, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आसान ट्रेडिंग कंपनी। आए दिन घटना हो रही है, पुलिस प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। मांग हर मीटिंग में हो रही क्षेत्र की, व्यापार बंद हो, व्यापारी सुरक्षा हो, एकदम पुलिस प्रशासन एकदम सुन ही नहीं रहा, जैसे कान में जू डाल रखा है, या गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहता है, फेल करना चाहता है। व्यापारियों में आक्रोश पैदा आज बहुत पूरी तरह। अगर 24 घंटे में अगर नहीं होगा तो व्यापारी आगे के उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। के कार्यकर्ता से उस पर एसपीसीटी के चार्ज पे श्रीवास्तव जी वो भी आए हैं, सीओ क्राइम हैं, सीओ कोतवाली, तो ये लोग 24 घंटे के लिए मैंने आश्वासन दिए हैं कि 24 घंटे में हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे और पैसा भी बरामद कर लेंगे। तो इसी आश्वासन पर अभी कल सुबह एक व्यापारियों की बैठक होगी, उस पर तय लोग करेंगे कि हमको आगे की रणनीति क्या बनानी है, नहीं तो परसों व्यापारी भाई लोग कहते हैं कि हम लोग बंद करेंगे मंडी को। यही हाँ, सुरक्षा के लिए पिकेट यहाँ पर लगाई जाएगी 10 बजे से, और फिर 2 बजे से लेकर 10 बजे रात तक 100 इंस्पेक्टर और 2 सिपाही लगातार राउंड पर रहेंगे, ऐसा आश्वासन प्रशासन द्वारा दिया गया है। और 24 घंटे का समय इनको दिया गया है, आगे जैसा भी हो व्यापारी भाई तक करेंगे। अभी साहबगंज मंडी में थोड़ी देर पहले घटना लूट की हुई है, कुछ पैसे छीन के, पुलिस की वर्दी में बता रहे हैं कि वो आए थे और छीन के भागे हैं। उस संबंध में अभी हम लोग यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज और सब देख के आगे कार्रवाई करा रहे हैं।